साहब, वो जो इमरान खान साहब की जो जो पार्टी के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, और देखें कि कतर, कुवैत, सऊदी अरब, हर जगह से हमें जो है वो कॉलें आ रही हैं, यूएई से कॉलें आई हैं, अमेरिका ने हमसे सिंपथी का इजहार किया है। वो तो समझ रहे हैं कि हम तो जो है ना प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, लेकिन भारत के जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कोई अफसोस का इजहार नहीं किया इसमें। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक तरफ घर में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ये फेस सेविंग मिली है, ये जो वाकया हुआ है, क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे और वो इस्लामाबाद पहुंचना बड़ा मुश्किल था। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये फेस सेविंग है, एक बात। दूसरा, वो समझ रहे हैं कि जनाब हमें तो इंटरनेशनली पूरी दुनिया से कॉलें आ रही हैं, तो इमरान खान एक ग्लोबल स्टेचर का लीडर है, और तीसरा मोदी साहब ने पूछा ही नहीं, हालांकि मोदी साहब हमारे हमसाए में। देखिए, मोदी साहब का पूछना बनता ही नहीं था, इज नॉट रेलिवेंट। वो तो प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर होना था। इमरान खान साहब अपने आप को समझते हैं कि ही इज इमाम खुमैनी, तो इनकी अपनी फिक्शनल स्टोरी है। आज मैं अपने आप को अभी जो बाइडन समझना शुरू कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं कह दूं जी हम इंटरनेशनल लीडर, तो क्या कोई डजंट मैटर? मसला तो ये है कि जब आप पावर में थे तो आप कितने बड़े इंटरनेशनल लीडर थे। अमेरिका आपसे नाराज था, चाइना आपसे नाराज था, आपसे कौन सा मुल्क राजी था उस वक्त? एमबीएस आपसे नाराज था, तुर्की आपसे नाराज था उस वक्त। अकाल आपको जो बाइडन की आपको नहीं आती थी, $25,000 महीने की आपको फर्म हायर करनी पड़ गई है। चाइना आप खाम खा चले गए थे, ओलंपिक में आपको बुलाया भी नहीं गया था। आपके वजीर जो थे वो उनसे वो नाराज थे, वीजे नहीं देते थे। सी पैक आपने बंद कर दिया था, भारत के साथ आपकी दुश्मनी थी। आप जब आप पावर में थे तो देखे ना आप कितने बड़े एक्सपर्ट थे आप फॉरेन पॉलिसी पे, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी उस वक्त। आज आपको क्यों दे काले आ रही? मुझे ये किसी न्यूज़पेपर में दुनिया के नहीं आया कि आपको खलीजी ममालिक से काले आई, या वो इतने कंसर्न्ड है कि ये हमारा 21वीं सदी के पैगंबर को क्या हो गया। किसी ने कोई, मैं तो कोई खबर नहीं पढ़ रहा हूँ चीमा साहब। मैं तो दिन में 8 अखबारें पढ़ता हूँ, 8 आउटलेट्स पे जाता हूँ टू 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 लर्न थिंग्स। मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, ये इतना जरूर आया है कि वहां एक दो अखबारों में आया है कि वहां शूटिंग हुई है। उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी देखें पूरी दुनिया का मुस्तकबिल जो है वो खराब हो गया। दिस इज रॉन्ग मैटर फैक्ट। ये खान साहब को गलतफहमी है। और जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, और मैं कहना खलीजी ममालकों की काले आई होगी, FIR तो गुजरात कटा लो अगर एडे बड़े लीडर होते। देखो ना, और कहते हैं हमने वो फवाद चौधरी साहब और बहुत लोग कहते थे हमने बदला लेना है, तो वो बदले कि बदले FIR ही नहीं दर्ज हो रही। कल वो गए थे बदला लेने, वो FIR दर्ज कराने, उन्होंने थाने की बिजली बंद कर दी थी। वो तो चीमा साहब देखें, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मैं कहते कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। ये जो जब आपका पूरा मुल्क ही चल रहा हो वीडियोस पे हैकर साहब से, ये वीडियो बना दी किसी ने मेरा अच्छा देखें स्वाति साहब का, अगर किसी ने नहीं भी देखी तो आप वो सारा पाकिस्तान गूगल कर रहा है स्वाति साहब की वीडियो क्या। बल्कि मजे की बात ये है कि स्वाति साहब को पता होना चाहिए था पोर्न देखने में आपका कंट्री सबसे पहले नंबर पर है।